लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुरुआत है। किस बात की शुरुआत? कैसी शुरुआत? कौन था ये आदमी? मुझे नहीं मालूम। आपकी हवेली में क्या हो रहा है ये आपको नहीं मालूम तो और किसे मालूम होगा? ये हवेली है या पागलखाना? आते ही आपने मुझ पर एक पहलवान से हमला करवा दिया, उसके बाद बिना मुझसे पूछे सबके सामने मेरी शादी तय कर दी, और अब आधी रात को एक अजनबी आदमी मेरे कमरे में चाकू लेकर घुसा। बस इतने में ही डर गए? मैं ऐसी मामूली बातों से नहीं डरता, लेकिन मैं कोई बलि का बकरा नहीं हूँ जिसे आप किसी की भी भेंट चढ़ा दें। आपके कहने पर मैं चला आया, इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर तुम चाहो तो जा सकते, मगर मुझे मालूम है तुम जाओगे नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम्हें पुलिस से बचने के लिए, सर छुपाने के लिए एक जगह चाहिए, और मुझे तुम्हारे जैसा एक बहादुर आदमी। एक बात समझ में नहीं आई, मेरे बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद आप मुझसे क्या चाहती हैं? बताती, हमने एक बार पहले भी सीमा की शादी तय की थी। सीमा के पिताजी की जान बचाने की कोशिश में बेचारे दीवान जी की दोनों टांगे हमेशा के लिए बेकार हो गई। उस दिन से लेकर आज तक पूरी हवेली में उस डाकू का खौफ छाया हुआ है। लेकिन वो सीमा से क्यों शादी करना चाहता है? दौलत के लिए, इस हवेली के लिए, क्योंकि वसीयत के मुताबिक ये सब सीमा को मिलने वाला है। उसके 18वें जन्मदिन पर उसी दिन सीमा को उठाकर ले जाने की धमकी दी है उसने। अब तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। तुमसे पहली बार मिलने के बाद हमें लगा कि तुम ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। अब आगे तुम्हारी मर्जी। आप बेफिक्र रहिए रानी मां, जो भरोसा आपने मुझ पर किया है उससे मैं टूटने नहीं दूंगा। लेकिन वो है कौन? कहर सिंह। जरा देखो इसे, देखो ये हमारा आदमी है, हमारा।
सरदार कहर सिंह का आदमी मार खा के आया है, मार खा के आया है हवेली से, उस हवेली से जिसकी एक एक ईंट कहर सिंह के नाम से कांपती है। सरदार खबरदार, जो इस टूटते हुए मुंह से हमारा नाम लिया, हरामजादे तुझे वहां किस काम के लिए रखा था? हवेली पे नजर रखने के लिए सरदार। हाँ, नजर रखने के लिए, सिर्फ नजर रखने के लिए। हवेली में कदम रखने के लिए तुझसे किसने कहा? किसी ने नहीं सरदार, किसी ने नहीं। लेकिन जब मैंने देखा कि हवेली में एक नया आदमी आया है तो हा? क्या कहा, नया आदमी? हाँ सरदार, इसीलिए मैंने सोचा। क्या क्या कहा? सोचा? तूने सोचा? मगर क्यों, क्यों सोचा? तुझे मालूम नहीं कि यहाँ कहर सिंह के अलावा और कोई नहीं सोचता? ये सिर्फ वही करते हैं जो कहर सिंह सोचता है, इसीलिए जिंदा है। अगर तूने सोचा और सोचने से पहले ये नहीं सोचा कि तेरे इस सोचने का अंजाम क्या होगा? सरदार, सरदार मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई सरदार। तूने गलती की ये सिर्फ तू जानता है, और कहर सिंह किसी को माफ नहीं करता, ये सब जानते हैं। ए नस्वारो! आया सरदार, हुक्म। दे तो मेरी नस्वार की डिबिया, फैसला कर दो इस हराम जाने का। ताला सोचता है। मुझे माफ कर दो सरदार, अब सारी जिंदगी कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा सरदार। अब ये नस्वार तुझे माफ कर दे तो कर दे, मैं तो माफ नहीं करता। ठीक आ गई तो ठीक, वरना कसम बंदूक की। पैर पर तो सरदार, तुम्हारे मुझसे गलती होगी सरदार, दूसरी बार गलती नहीं करोगे सरदार, मुझे माफ कर दो सरदार, मुझे माफ कर दो सरदार। आ गई तो ठीक, वरना कसम बंदूक की। देखा तूने, आ भाई, जब ये साला मर गया, एक मिनट पहले आ जाती तो बच जाता बेचारा। साले का दिमाग ही नहीं, किस्मत भी खराब थी। नस्वारू, ए नस्वारू। जी जी सरदार। ये तो मर गया। आपकी गोली से कोई बचाया सरदार? नस्वारू तू गधा है। वो तो हूँ, मगर क्यों सरदार? अबे उल्लू के पट्टे, असली बात तो रह गई ना, हम तो पूछना ही भूल गए कि हवेली में जो नया आदमी आया है वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या है। ये तो मर गया, अब हम किससे पूछेंगे नस्वारू, किससे पूछेंगे? नस्वारू, वो कहावत क्या है जिसमें चिड़िया पछताती है? अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। गलत, बिल्कुल गलत। अरे चिड़िया कैसे चुग जाएगी खेत, अपना खेत तो हमने नीचे तहखाने में बंद कर रखा, वो साड़ा हवेली का वफादार कुत्ता। ये मर जाएगा। हाँ, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। ओहो, खास बात तो हम भूल ही गए, इसीलिए नजारू, इसीलिए हम तुझे इतना प्यार करते हैं। अच्छा हुआ तूने हमें याद दिला दिया कि इस बुढ़ऊ को जान से नहीं मारना, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आग तो इसी की लगाई हुई है ना, पूछेगी भी इसी के सामने साले के। लीजिए मेम साहब, आपका घोड़ा तैयार है, और साहब आप तो अपने बहादुर पर ही बैठना पसंद करेंगे। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, जिसके पास बहादुर जैसा साथी हो उसे किसी और की क्या जरूरत है। इसमें हंसने की क्या बात है? कुछ खास तो नहीं, बस यूं ही। आपके बहादुर का नाम सुनकर मुझे बचपन की एक सहेली याद आ गई। उसे कम दिखाई देता था, मोटे मोटे ग्लास वाले चश्मे पहनती थी, और उसका नाम था सुनैना। अरे बुरा मत मानिए, नामों के चक्कर में अक्सर ऐसा ही होता है। पास वाले गांव में एक भिखारी रहता है, और उसका नाम भी अमीर चंद है। अमीर चंद की अमीरी पर आपको शक हो सकता है,
लेकिन मुझे अपने बहादुर की बहादुरी पर बिल्कुल शक नहीं। यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लीजिए, आपका शक भी दूर हो जाएगा और ये नामों का हेर फेर भी खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं ये बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये ठहरा शहरी घोड़ा टांगा बगी बगी खींचने के लिए तो ठीक है, मगर यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते इसके बस के नहीं है। सुना बहादुर, अब तो दोस्त तेरी इज्जत का सवाल है। क्या कहा क्या कहा? अरे जोर से बोल। हाँ समझ गया। हाँ तो मैम साहब, मेरे बहादुर की एक छोटी सी फरमाइश है, अगर आप रास्ता दिखाएंगी तो यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते भी सीधे हो जाएंगे। क्या ख्याल है, आजमा कर देखें? अब तो आजमाना ही पड़ेगा। अरे अरे क्या कर रही हैं आप? मार से नहीं, जरा प्यार से कोशिश कीजिए। मेरे लाड प्यार से पाला है मैंने अपने बहादुर को, मारेंगी तो बुरा मान जाएगा। मेरे लाड प्यार ने से थोड़ा सा अड़ियल बना दिया है। अड़ियल नहीं मरियल कहो, चट्टू कहीं का। मेरी सलाह मानो तो किसी धोबी को दे दो, कपड़े वपड़े लादने के काम आ जाएगा। मैंने तो पहले ही कह दिया था ये क्या खाक दौड़ेगा, फालतू है एकदम फालतू। फालतू हो या फालतू हो, अपने सामने सब ठीक हो जाते। पोपटलाल तुम? हाँ मैं। आप अभी अभी इसके दौड़ने की बात कर रही थी ना, अगर हम चाहें तो ये दौड़ने क्या उड़ने लगेगा, उड़न तस्तरी हो जाएगा, उड़न खटोला हो जाएगा। पोपटलाल जी आप घुड़सवारी का भी शौक फरमाते हैं? घुड़सवारी क्या, कोई भी सवारी हो। आप अभी देखिए जैसे ही इसकी नाजुक नाजुक कमर पर पोपटलाल का एक मजबूत सा लाफा पड़ेगा तो ये दौड़ने क्या उड़ने लगेगा, तब तो कमाल हो जाएगा। अरे क्या कमाल हो जाएगा, ये तो फिर भी कुछ कुछ घोड़े जैसा दिखता है। मैंने तो गधों को भी घोड़ों से तेज उड़ाया है। अरे मेरी किस्मत अच्छी है कि आप यहाँ आ गए, वरना इस गधे ने तो इनके सामने मेरी नाक ही कटवा दी थी। एक गधा तो आपकी नाक बचा नहीं पाया, चलो दूसरे को भी आजमा लेते हैं। Why not? तो फिर देखे। हाँ देखिए देखिए अभी देखिए, चल मेरे घोड़े, आई एम कमिंग एंड यू आर गोइंग। बहुत हो गया नाटक, अब तो संभाल लेना, समझ गए? हाँ तो मेम साहब, अब क्या ख्याल आपका मेरे इस टट्टू के बारे में? लेकिन पहले तो ये। अरे पहले वाले की बात छोड़िए, देखिए एक शरीफ आदमी का शरीफ घोड़ा ही है, बड़ा समझदार है, सवारी देके बात करता है। टावर बहादुर। लेकिन वो पोपटलाल कहाँ है? हाँ चलो ढूंढते हैं, बैठिए। नहीं नहीं पैदल ही ठीक है। ठीक है चलिए। शुक्र है बहादुर ने आपकी बात का बुरा नहीं माना, वरना बेचारा पोपटलाल। अरे बेड़ा घर को तेरा बहादुर के बच्चे, साले धोखेबाज, देखने में कुछ और भागने में कुछ, साला उल्लू बनाता है। खूबसूरत लड़की बैठे तो टुक टुक टुक, और जब मैं बैठा तो आए आए, देख लूंगा मैं तेरे को, देख लूंगा। मेरी बद्दुआ तुझे अगले जन्म में बनाएगी पोपटलाल, और मैं बनूंगा बहादुर, और फिर मैं तेरे को इसी तरह जंगल में लेकर जाऊंगा और तेरी ऐसी हालत करूंगा, बल्कि इससे भी बुरी हालत करूंगा। अरे बहादुर मेरी तो ये चड्डी फिर भी बच गई है, तेरी तो ये भी नहीं बचेगी। आए आए अरे चुप, कुटू कुटू कुटू।